स्टूडेंट्स आज क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लेकिन इस फर्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले या उसके थ्योरी कंटेंट या पहला चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं दो या तीन मिनट आप सभी बच्चों के लेना चाहूंगा ताकि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं देखो बच्चों आप लोग सभी जानते हो कि नथिंग ग्लिटर्स बेटर देन ए सक्सेस एक सक्सेस से बेटर कोई भी चीज़ या चमकदार नहीं होती है सक्सेस सबसे शानदार चीज़ है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं आज का जो टाइम है आज का पूरा टाइम में इतना हाई कंपटीशन, इतना टफ कंपटीशन हो चुका है कि जैसे आ, नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ वैकेंसीज कहीं भी आप देखो इतनी कम है और जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं तो अगर हमें अपनी एक सीट या एक अपनी वैकेंसी कहीं भी रिजर्व करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक सही शुरुआत करनी चाहिए बच्चों आप अभी टेंथ क्लास में हैं टेंथ क्लास में आपको बोर्ड को भी फेस करना है आपके बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे इसके अलावा आप लोगों के इस साल में एन टी एस सी आई एस ओ आई ई एस ओ एन एम टी सी और पी आर एम ओ ये पांच प्रकार के टेस्ट जो हैं मैं एक बार इनको सीक्वेंस में लिख देता हूँ सबसे पहले आपको बोर्ड पे फोकस करना है देखो आपके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस साल जो आपको निभाने है बोर्ड एग्जाम्स इसमें आप किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो सेकेंड जो है आपका एन जो टेंथ के लगभग सभी बच्चे जो अपने आप को ये मानते हैं कि वो ठीक ठाक हैं पढ़ने में वो भरते ही हैं फॉर्म इसका ठीक है एन इसके बाद पी आर ओ री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इसके बाद आई जे एस ओ हालांकि 10थ क्लास के बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं रहते हैं क्योंकि 13 से 15 इयर्स तक के बच्चे ही इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं ठीक है इसके बाद एनएमटीसी नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कांटेस्ट ये टोटल पांच एग्जाम्स हैं बच्चों जो आप इस साल जिन सारा एग्जाम्स में आप अपियर होने वाले हो तो मैं समझता हूं कि भाई आप लोग एक हाई प्रेशर में हो मेंटल प्रेशर क्या इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और आपको पता है कि इन सभी में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं ठीक है थीके? तो हमें जो है इन सब में अपनी सीट भी निकालनी है इस पूरे प्रेशर को झेलते हुए और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप सभी लोग इतने कैपेबल हैं कि ये सारा प्रेशर झेल जाएंगे इवन हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें कि आप लोगों को ये प्रेशर कैसे बेयर करना है ठीक है हम अपनी तरफ से पूरी हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको पूरे कोर्स के दौरान कभी भी बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर फील ना हो माइंड ऐसा कोई बोदरेशन माइंड में नहीं आए और आप एकदम हंसते खेलते इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर जाए ठीक है तो जो आपका ये कोर्स है पूरा का पूरा आ, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं फिलहाल ये रियल नंबर से स्टार्ट होगा रियल नंबर से और हर चैप्टर पहले बोर्ड लेवल पे पढ़ाया जाएगा उसके बाद बोर्ड लेवल में ही एन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है फिर पी प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ओलंपियाड लेवल के प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर चैप्टर्स पे कैसे बनते हैं क्या उनकी टफनेस हो सकती है किस तरीके से उनको टैकल करना है ये सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी आई एग्जाम भी इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा एन भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर हो जाएगा बच्चों इसके अलावा एक एग्जाम और है के वाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना टेंथ के बच्चे हालांकि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते आप फर्स्ट टाइम के वी पी वाई का फॉर्म अलेवेंथ क्लास में जाके भरेंगे लेकिन क्लास अलेवेंथ में जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि टेंथ का पूरा सिलेबस इसके अंदर है इसका मतलब अगर आपको के का एग्जाम भी क्रैक करना है तो आपको अपने टेंथ क्लास का सिलेबस पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए एकदम बिल्कुल हर चीज सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो स्पेशली पूरी तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको अच्छे से नहीं आता हो तो हम अपने इस पूरे लेक्चर्स के दौरान जो आपको पूरी एक लेक्चर्स की सीरीज मिल रही है या पूरे कोर्स के दौरान इस बात को एन्श्योर करेंगे कि आपका कोई भी कंटेंट वीक ना रहे ठीक है तो केवीपीआई के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे हालांकि सभी बच्चों ने ज्यादातर तो मतलब आप लोग सब इतने कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं कि हर एग्जाम्स के बारे में आपको जानकारी रहती है लेकिन केवीपीवाई के बारे में फिर भी मैं दो मिनट आपको और बत, ले लेता हूं दो मिनट तो कुछ चीजें इसके बारे में बताता हूं केवीपी कि जो फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, यानी कि जो यंग साइंटिस्ट होते हैं उनके एनकरेजमेंट के लिए जो बच्चे साइंस में आगे करियर बनाना चाहते हैं उनके एनकरेजमेंट के लिए स्टार्ट की गई एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से केवीपीआई का जो एग्जाम है वो आई बेंगलोर कंडक्ट कराता है और जो बच्चा केवीपीआई एग्जाम के क्वालिफाई करता है ये दो स्टेजेस में होता है फर्स्ट जो होता है वो रिटर्न टेस्ट होता है और सेकंड जो होता है वो इंटरव्यू होता है इसका मेन जो है वो रिटर्न एग्जाम ही है तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बाद अगर कोई बच्चा दोनों स्टेज क्वालिफाई करता है तो वो बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है बच्चों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें फाइव थाउजेंड पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप एलेवंथ क्लास में इस स्कॉलरशिप को अवेल करते हो तो स्कॉलरशिप आपको फाइव थाउजेंड पर मंथ प्लस साल में एक बार बीस हजार रुपए कंटीजेंसी मनी के नाम से मिलता है बुक्स वगैरह खरीदने के लिए जो भी कहो आप यानी कि कुल मिला के आप एट्टी थाउजेंड की स्कॉलरशिप अवेल करते हो अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो वन ईयर में क्लास इलेवेंथ में अगर आपने सिक्सटी परसेंट स्कोर किया तो क्लास ट्वेल्थ में भी आपकी यह स्कॉलरशिप चालू रहेगी इसी तरीके से अगली क्लास के लिए स्कॉलरशिप को चालू रखने के लिए आपको उस पर्टिकुलर क्लास में सिक्सटी परसेंट या उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा ये स्कॉलरशिप आपके लाइफ टाइम तब तक रहेगी जब तक कि आपकी साइंस में एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती यानी कि टिल पीएचडी एच में बोल सकता हूँ लाइफ टाइम से मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे तक ऐसा नहीं था मतलब जब तक आप साइंस स्ट्रीम में आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपकी ये स्कॉलरशिप स्टार्ट रहती है और इससे आप केवल एक फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं उठा रहे हो आपको आईएससी एस बेंगलोर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है आईएससी एस बेंगलोर इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है तो उसमें आप इसके थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो एक पॉजिटिव वाली बात होगी दूसरा बहुत सारे अच्छे बच्चे लेकिन उनके पेरेंट्स इकोनॉमिकली इतने स्ट्रोंग नहीं हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स को क्लास अलेवेंथ में इस टेस्ट को क्लियर करके एक अपनी तरफ से गिफ्ट दे सकते हैं क्योंकि जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको सालाना एट्टी थाउजेंड रुपीज़ मिल रहे हैं इसका मतलब वो आपके पर ईयर के जो स्टडी का खर्च है वो ऑलमोस्ट बियर करने के लिए सफिशेंट है इसका मतलब आप थोड़ी मेहनत करके अगर ये एग्जाम क्लियर करेंगे नेक्स्ट ईयर तो इसका मतलब ये होगा कि आप एलेवेंथ क्लास से ही अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्पिंग हैंड बन गए जो कि हर बच्चे का ड्रीम होता है कि भाई मैं अपने रिजल्ट से या अपनी अर्निंग से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाऊं उनको प्राउड फील कराऊं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा के वी एग्ज़ाम को क्लियर करके ऐसा फील कराने का बल्कि उसके अलावा ये सारे एग्जाम्स भी वैसे ही हैं सभी स्कॉलरशिप्स एग्जाम्स हैं तो जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा इन सारे एग्जाम्स के बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देते रहेंगे ठीक है बच्चों तो मैं अपनी जो बात है यहाँ पर एक, एक लास्ट सेंटेंस के साथ खत्म करता हूँ यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम्स ट्रू यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम्स ट्रू मतलब आपको सपना देखना ही है जब तक कि आपका सपना पूरा नहीं हो जाता सो लेट स्टार्ट रियल नंबर्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स बच्चों रियल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका किस तरीके से ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ नंबर सिस्टम का ये बात आप लोग क्लास सेवन से लगा के और टेंथ तक आते आते समझ गए होंगे कि भाई सबसे पहले आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आया था जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद में डब्ल्यू आया होल नंबर्स उसके बाद इंटीजर्स आए फिर नंबर्स आए जो आप लोगों ने टेंथ नाइन्थ क्लास में डिटेल में पढ़े और अब जो है ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स हालांकि रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो भी आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं हर क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे तो रियल नंबर चूंकि इस चैप्टर का नाम है तो इसलिए हमें इसकी शुरुआत तो ऐसी करनी पड़ेगी कि भाई हम एक नंबर लाइन एज्यूम करते हैं जो कि माइनस इन्फिट से प्लस इन्फिटी तक जाती है जिसका मिड पॉइंट जीरो है जीरो के राइट right में पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट में निगेटिव रियल नंबर्स होते हैं इस नंबर लाइन पर अगर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हैं तो दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट ए रियल नंबर इस पूरी नंबर लाइन पर कहीं भी चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो चाहे इंटीजर हो चाहे होल नंबर हो ईच एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन तो ये है आपका रियल नंबर सिस्टम रियल नंबर्स या रियल नंबर लाइन रियल नंबर लाइन बोलो या नंबर लाइन बोलो वो एक ही बात होती है इसमें जिस बात पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा वो है माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी। माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी क्या होता है बच्चों माइनस इनफिनिटी इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर एंड प्लस इंफिनिटी इज द लार्जेस्ट रियल नंबर तो क्या कोई सबसे छोटा रियल नंबर स्मॉलेस्ट रियल नंबर कोई होता है नहीं होता क्या कोई सबसे बड़ा रियल नंबर होता है नहीं होता इट मीनस माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी भी कुछ नहीं होते दे आर जस्ट एजम्पन ये एजम्पन है केवल कि जो स्मॉलेस्ट रियल नंबर होगा उसको माइनस इन्फिनिटी से डिनोट किया जाएगा और जो लार्जेस्ट रियल नंबर है उसको प्लस इंफिनिटी से डिनोट किया जाएगा लेकिन चूंकि कोई भी सबसे छोटा रियल नंबर और कोई भी सबसे बड़ा रियल नंबर होता ही नहीं है इसलिए माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी भी कुछ नहीं होता है ये केवल एजमशन हैं, ठीक है ये बात का ध्यान रखना इसके अलावा इस चैप्टर में मुझे जो जरूरत पड़ेगी वो है प्राइम नंबर्स की प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये आप लोग क्लास सेवन इवन से उससे भी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं बट स्टिल मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये रिकॉल करा देता हूं ताकि आगे जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो आपको प्रॉब्लम ना जाए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं टू नेचुरल नंबर्स सॉरी ए नंबर इज प्राइम इफ इट हैज और ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ए पॉजिटिव नंबर इज प्राइम इफ इट हैज ओनली टू डिवाइजर्स ओनली टू डिवाइजर्स किसी भी पॉजिटिव नंबर को प्राइम तब बोलेंगे जब इसके केवल दो डिवाइजर्स हों कौन कौन से नेमली वन एंड इट्स एक तो वन होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल टू टू एक प्राइम नंबर है इसका एक डिवाइजर वन है और एक एक खुद है एक थ्री हो गया फाइव सेवन अलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन एटसेट्रा दीज आर ओल प्राइम नंबर सेट ऑफ प्राइम नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट ये कभी भी एंड नहीं होते सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज एन इन सेट यहां पर ये एक बात पॉइंट नोट करने की है दूसरी बात टू इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम टू जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और वो इकलौता इवन प्राइम होता है बाकी सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं ठीक है ये बात समझ में आ गई तो प्राइम नंबर्स के बाद में एक टर्म हम यूज करते हैं को प्राइम को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम सेकेंड डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स टू पॉजिटिव नंबर्स टू पॉजिटिव नंबर्स A and B are called Co prime or Relatively prime Co prime or Relatively prime If एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू वन एच सी एफ़ को कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में जी सी डी भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जी सी डी तो ए और बी कोई भी दो नंबर जिनका एच सी एफ वन हो या जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो उन नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम बोला जाता है अब यहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है प्राइम पे कि प्राइम लिखा है तो क्या ये प्राइम नंबर होना जरूरी है देखो फॉर एग्जाम्पल एच सी एफ ऑफ टू एंड फाइव इज वन इट मीन्स टू एंड फाइव टू एंड फाइव आर रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम तो हमने यहां पर क्या देखा टू और फाइव दोनों प्राइम थे और उनका एच सी वन आ रहा है इसलिए ये रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम भी है अगर मैं इसकी बात करूं कि एच सी एफ ऑफ थ्री एंड एट कितना आएगा वन तो यहां पर हमने देखा थ्री प्राइम है एट प्राइम नहीं है लेकिन इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ वन आ रहा है तो अगर इनका एच सी आ रहा है तो ये रिलेटिवली प्राइम होंगे तो थ्री एंड एट आर को प्राइम इससे एक बात और माइंड में आ जानी चाहिए कि को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है कई बच्चों के मन में ऐसा लग रहा होगा अच्छा ऐसा हो सकता है ना सर कि फिर एक प्राइम हो एक प्राइम ना हो तो ही को प्राइम होंगे नहीं ऐसा नहीं है क्यों देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो एच ऑफ फोर एंड फिफ्टीन इज इक्वल टू वन तो यहां पर ना तो फोर प्राइम है और ना प्राइम है लेकिन ये को प्राइम तो है फोर एंड फिफ्टीन आर को प्राइम फोर एंड फिफ्टीन आर को प्राइम तो कुल मिला के बच्चे यहां पर नोट करने वाली बात यह है For two positive numbers, for two positive numbers to be relatively prime, to be relatively prime, the numbers need not be the numbers need not be prime. नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम किन्हीं दो नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम होने के लिए उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है यानी कि जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो भी कोप्राइम हो सकते हैं जैसे यहां पर ये फोर और फिफ्टीन प्राइम नंबर्स नहीं थे लेकिन ये कोप्राइम तो हैं एट एंड थ्री ये दोनों के दोनों तो प्राइम नहीं है ना लेकिन ये कोप्राइम है तो ये पहला पॉइंट मैंने यही लिखा कि किने भी दो नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम होने के लिए उनको प्राइम होना जरूरी नहीं है ये पॉइंट क्लियर हो गया दूसरी बात सेकेंड पॉइंट यहां पर लिख देता हूं जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा रिलेटिवली प्राइम होते हैं प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम होते हैं बट कन्वर्ट इज नोट ट्रे आपके सामने मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए तो बच्चे होपफुल आपको को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम समझ में आ गया होगा अब हम नेक्स्ट लेते हैं तीसरी एक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो तीसरी डेफिनेशन क्या है ट्विन प्राइम्स ट्विन प्राइम्स कितने बच्चों ने ना नाम सुनाया ट्विन प्राइम्स का रिकॉल करो डेफिनेशन क्या होती है ट्विन प्राइम की ट्विन प्राइम की डेफिनेशन रिकॉल करो सारे बच्चे अगर नाम सुना है तो पहले ओके सबने सुना है बहुत बढ़िया यार तो तीसरी जो डेफिनेशन है वो है ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम्स टू प्राइम नंबर्स ये ध्यान देना यहां पर टू प्राइम नंबर्स टू प्राइम नंबर्स ज डिफरेंस डिफरेंस से मतलब हमेशा नॉन नेगेटिव डिफरेंस से है होज डिफरेंस इज टू आर नॉन एज ट्विन प्राइम्स आर नॉन एज ट्विन प्राइम्स कोई भी दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस टू हो वो ट्विन प्राइम होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्री फाइव थ्री और फाइव दोनों प्राइम नंबर्स हैं और उनका जो डिफरेंस है वो टू है इसका मतलब ये ट्विन प्राइम्स हो गए फाइव सेवन ये भी ट्विन प्राइम्स हैं एलेवन थर्टीन ये भी ट्विन प्राइम्स है सेवेंटीन नाइनटीन ये भी ट्विन प्राइम्स है तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द ट्विन प्राइम्स आर ट्विन प्राइम्स अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई ये टू और थ्री क्या ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं तो आंसर इज नो क्योंकि देखो दोनों प्राइम तो हैं बट इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है वन इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है सेवन नाइन क्या ये ट्विन प्राइम है सेवन नाइन क्या ट्विन प्राइम है डिफरेंस तो टू है नाइन प्राइम नहीं है सेवन प्राइम है तो डिफरेंस टू होना खाली जरूरी नहीं है दोनों प्राइम होना चाहिए डिफरेंस टू होना चाहिए तभी जाके ट्विन प्राइम बोलते हैं तो सेवन नाइन और ऐसे लिख देंगे नाइन अलेवन एटसेप्ट्रा आर नॉट ट्विन प्राइम्स आर नॉट ट्विन प्राइम्स आर नॉट ट्विन प्राइम्स ठीक है ओके okay, यहां तक तो ये जो है ना ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन हो गई अब एक डेफिनेशन हम लोगों को और पता होनी चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए और वो डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं लेमा लैमा क्या होता है लेमा किसको बोलते हैं क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन अट्रैक्शन है वो है यूकलिड्स लेमा जहां से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा यूक्लिड लेमा से होगा लेकिन यूक्लिड लैमा को समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि लैमा क्या होता है लेमा वट वी मीन बाई लैमा यह फोर्थ डेफिनेशन है तो लैमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट इज ए प्रूवन Statement Which is used, which is used to prove, which is used to prove another statements, another statements. लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको बाकी स्टेटमेंट्स को यू, प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है कोई एग्जांपल बता सकते हो लैमा का कोई एग्जांपल बता सकते हो ऐसा क्या है जो प्रूवन स्टेटमेंट है बताओ सोच के बताओ जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लू कि भाई इफ ए डिवाइड्स बी अगर ए बी को डिवाइड करता है इफ ए डिवाइड्स बी देन देन देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट क्यू बिलोंग्स टू एन सच दैट सच दैट बी इक्वल टू ए क्यू बी इक्वल टू ए क्यू क्या ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें अगर ए बी को डिवाइड करता है तो एक नंबर क्यू ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जैसे कि आप बी इक्वल टू ए क्यू लिख सको जैसे भाई जो टू है टू टू डि सिक्स तो हम सिक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री तो यहां पर ये जो क्यू है ये थ्री हो गया तो एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि आप सिक्स को टू सम टू नंबर के फॉर्म में लिख सको तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है और इसकी हेल्प से हमने ये दिखा दिया और भी बहुत सारी चीजें दिखाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि लेमा जो होता है ना लेमा लैमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ नहीं करना होता लेकिन उसकी हेल्प से बाकी स्टेटमेंट्स प्रूफ किए जा सकते हैं या किए जाते हैं अच्छा अब यूक्लिड लेमा पे जाने से पहले हम कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेंगे यहां पर डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स डिजिबिलिटी इन इंटीरियर्स इन इंटीरियर डिविजिबिलिटी इन इंटीरियर्स ये फिफ्थ कंसेप्ट है जो हम लोगों को इसमें समझना चाहिए बिफोर द यूक्टर लैमा तो डिविजिबिलिटी इन इंटीरियर्स क्या समझ रहे हो एक इंटीजियर को दूसरे इंटीजियर से डिवाइड करना है कुछ ऐसा हो रहा है ऐसे ही हो रहा है ना कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करना है तो यहां पर लेट एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देअ एग्जिस्ट अच्छा बल्कि इसके पहले एक बात हम लिख लेते हैं बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स इफ इफ ए डिवाइडस बी इफ ए डिवाइडस बी अगर ऐसा है इफ ए डिवाइड बी तो इसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे ए डिवाइड्स बी वर्टिकल लाइन बनाएंगे त्रिशी नहीं बनाएंगे ठीक है इंक्लैंड लाइन नहीं है ये वर्टिकल लाइन है ए डिवाइड बी के लिए सिंबल है इसे हम ऐसे भी पढ़ते हैं ए डिवाइड्स बी और बी इज डिविजिबल बाई ए बी इज डिविजिबल बाई ए ऐसे भी रीड कर सकते हैं इसको आप और बी और, इज अ मल्टीपल ऑफ ए ऐसा भी कह सकते हैं बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए ऐसा भी इसको रीड कर सकते हैं और और क्या बोल सकते हैं और ए इज अ फैक्टर ऑफ बी ऐसा भी इसको बोल सकते हैं आप मतलब आप इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो ये बोलो ये बोलो या ये बोलो ये, 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 ये पांचों बातें एक ही हैं जैसे एग्जाम्पल थ्री डिवाइड नाइन तो इसे हम कैसे पढ़ रहे हैं रीड एज रीड एज थ्री divides नाइन ऐसे पढ़ लो या नाइन इज डिजिबल बाई थ्री ऐसे बोल दो नाइन इज डिविजिबल बाय थ्री और और कैसे बोल सकते हो नाइन इज अ मल्टीपल नाइन इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऐसा भी बोल सकते हो और थ्री और, एज फैक्टर ऑफ नाइन तो उम्मीद है कि मैंने जो आप लोगों को ये ए डिवाइड बी का जो मीनिंग है वो समझा दिया है कि इसको आप पांच तरीके से लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं और ये पांचों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब अगर मैं बात करूं कि आ, नोट करते हैं यहीं पर अगर ऐसा आता है कि ए डज नॉट डिवाइड बी ए डज नॉट डिवाइड बी ए डज नॉट डिवाइड बी दे वट वी यूज तब हम इसको ऐसे लिखेंगे ए ये वर्टिकल लाइन थी ये तो डिवाइड का था सिंबल लेकिन ए बी को डिवाइड नहीं करता तो इसको ऐसे कट कर देंगे ए डज नॉट डिवाइड बी तो ये सिंबल्स का बेटा इस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान देना है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाएगा डिवाइड के लिए सीधा वर्टिकल लाइन हम लोग यूज करते हैं क्लियर है अब इसके ऊपर एक बात तो और डिस्कस करनी चाहिए हमें यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो जब आप किसी एक नंबर को दूसरे किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार डिवाइड हो जाता है या हो जाता है नहीं होता ना जब आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो दो पॉसिबिलिटी है या तो वो डिवाइड हो जाएगा या तो नहीं होगा अगर हो जाएगा तो हमने वही डिस्कस किया कि वो उस केस में डिवाइड सिंबल यूज करेंगे हम और वो उसका फैक्टर हो गया या मल्टीपल हो गया ऐसे करके बात करते हैं लेकिन जब कोई नंबर ए बी से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड पूरी तरीके से ना हो या किसी नंबर बी को ए से डिवाइड करें जैसे बी नंबर है ये बी तो मैंने क्या किया इसको ए से डिवाइड किया मान लो वो क्यू बार डिवाइड हुआ तो यहां पर ए क्यू आ गया और इसमें से बी में से इसको सब्टैक्ट करने के बाद जो बचता है वो रिमाइंडर होता है तो वो आर है इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर ऐसा हम लिख सकते हैं ये आर की जो वैल्यू है ये आर की वैल्यू हमेशा जीरो से लेके और ए तक रहेगी यहाँ पर हमने बी को ए से डिवाइड किया तो बेटा जो ए होता है ए जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड डिवाइजर सॉरी इसको बोलते हैं डिवाइजर ए को क्या बोलते हैं डिवाइजर बी को क्या बोलते हैं जो इसको डिवाइड किया जा रहा है ये डिविडेंड है डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है वो उसको बोलते हैं डिविडेंड कितनी बार डिवाइड हुआ इसको बोलते हैं क्विसेंट क्विसेंट क्यू यू ओ टी आई ई एन टी क्विसेंट और ये जो बचा इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर हालांकि ये बात आप सब लोग जानते हैं अच्छे से बट स्टिल इस चैप्टर में इन टर्मिनोलॉजीज़ का भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेवनटीन को डिवाइड करता हूं फाइव से तो थ्री टाइम्स डिवाइड हुआ ये फिफ्टीन हो गया और यहां पर टू बचा तो यहां पर फाइव जो है फाइव वो डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया जा रहा है सेवनटीन जो है वो डिवाइडेड है जो डिवाइड हो रहा है थ्री जो है वो क्वेशेंट है थ्री क्वेशेंट है और टू जो है वो रिमाइंडर है तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ में रिमाइंडर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है जब हम किसी नंबर को एक दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेनली यहां पर यूक्लिड लेमा को समझने से पहले रिमाइंडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे रिमाइंडर पे फोकस कर रहे हैं हम लोग रिमाइंडर रिमाइंडर पे फोकस करो अगर मैं एक नंबर कोई भी नंबर है उस नंबर को टू से डिवाइड करता हूं अगर किसी नंबर को टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है बताओ। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई या डिवाइडेड बाई इज डिवाइडेड बाई टू Then, remainder कैन बी क्या क्या हो सकता है बताओ रिमाइंडर कैन बी कौन बताएगा क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर जीरो और वन बिल्कुल सही या तो जीरो होगा या तो वन होगा क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर की नहीं है देखो अब किसी भी नंबर को अगर टू से डिवाइड करते हो तो वो जो नंबर है वो या तो इवन होगा या तो ओड होगा अगर वो इवन नंबर रहा तो टू से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं तो रिमाइंडर जीरो रहेगा और अगर ओड नंबर रहा तो टू से डिवाइड करने के बाद हमेशा रिमाइंडर वन बचेगा ही बचेगा इज दैट क्लियर तो जब भी किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करते हैं बेटा तो रिमाइंडर जीरो या वन ही होगा या तो जीरो होगा या तो वन होगा जीरो हुआ तो इसका मतलब वो नंबर टू से पूरी तरीके से डिविजिबल है अगर रिमाइंडर वन हुआ तो इसका मतलब वो ओड नंबर है अगर किसी के मन में चला सर रिमाइंडर टू भी तो हो सकता है अरे यार रिमाइंडर अगर टू हो गया तो वो फिर से टू से डिवाइड हो जाएगा ना यार तो रिमाइंडर टू कैसे बचेगा समझ रहे ना बात तो रिमाइंडर टू तो हो ही नहीं सकता ना अगर टू से ही डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर टू कैसे हो जाएगा टू अगर रिमाइंडर में आ रहा होगा तो टू से फिर से डिवाइड नहीं हो जाएगा वो क्लियर हो गई बात तो इसलिए जब भी कोई भी नंबर को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा जीरो या वन अब दूसरी बात बताओ इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय थ्री अगर थ्री से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ बताओ क्या होंगे सोच के रिमाइंडर्स कैन बी जीरो वन और अगर किसी भी नंबर को आप से डिवाइड तो करते हो, तो अगर वो का मल्टिपल रहा तो रिमाइंडर जीरो रिमाइंडर वन बच सकता है क्योंकि उसके बाद आप थ्री से डिवाइड नहीं कर पाओगे या रिमाइंडर टू बच सकता है क्योंकि उसके बाद भी आप थ्री से डिवाइड नहीं कर पाओगे लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में यह चल रहा है कि रिमाइंडर थ्री भी हो सकता है तो अगर रिमाइंडर थ्री हुआ तो थ्री से डिवाइड कर देंगे से रहे बात? तो अगर किसी को थ्री से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो तरीके से अगर किसी नंबर को फोर से डिवाइड करते हैं फोर से तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है तो रिमाइंडर कैन बी जीरो वन टू थ्री मतलब ये आप मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूं आपको जब आपने टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो जीरो वन टू थ्री हो सकता है, तो है। यानी कि आप जिस नंबर से भी डिवाइड करते हो रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से लेके और उस नंबर से एक कम तक जा सकती है जैसे अगर मैं इफ ए नंबर इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई सेवन सपोज देन रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं देन रिमाइंडर्स कैन बी देन द रिमेंडर्स कैन बी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बेटा रिमाइंडर्स की तो जीरो वन हो सकती है टू हो सकती है थ्री फोर फाइव सिक्स बस इसमें भी एग्जाम्पल ले लो देखो अगर आप सात को सात से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो आएगा लेकिन अगर आप आठ एट ले लो और उसको सेवन से डिवाइड करो तो कितना आएगा रिमाइंडर वन आएगा नाइन को सेवन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर टू आएगा ये इसके कोरोस्पॉ बता रहा हूं कि ये रिमाइंडर ऐसे हैं यहाँ पर टेन ले लो तो रिमाइंडर थ्री आ जाएगा एलेवन ले लो तो रिमाइंडर फोर आ जाएगा ट्वेल्व ले लो तो रिमाइंडर फाइव और थर्टीन लिया तो रिमाइंडर सिक्स लेकिन अगर आपने नंबर फोर्टीन ले लिया तो फोर्टीन में अगेन रिमाइंडर जीरो आ जाएगा बात समझे यानी कि किसी भी नंबर को जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर है डिवाइजर जो भी रहा जीरो से लेके डिवाइजर से एक कम तक रिमाइंडर हो सकता है उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर अच्छे से सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स अच्छे क्वेश्चंस और यूक्लिड लैमा कवर करेंगे थैंक यू